हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर प्रेजेंट हूँ आपके लिए ये एक न्यू टॉपिक लेके, फोर्टिफाइड फूड्स। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि दो तीन बच्चों के कमेंट आए थे कि मैम, जो आपका मतलब लिखा हुआ पार्ट है वो एकदम एक क्लियर नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि मैंने 480p जो है वो कर दिया हुआ है, और आप लोग जब भी अपने फ़ोन में वीडियो देखें तो स्टैंडर्ड क्वालिटी में उसको टिक कर लें, तो शायद आपको क्लियर दिखने लगे। ठीक है, तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फोर्टिफाइड फूड्स। ठीक, तो फोर्टिफाइड फूड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फोर्टिफाइड फूड्स होते क्या हैं। देखिए, फोर्टिफाइड फूड्स ऐसे फूड्स होते हैं जो कि फूड्स तो होते ही हैं, लेकिन उनमें अलग से न्यूट्रिशन भी ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, अलग से न्यूट्रिशन ऐड करने के लिए बहुत से डाइटरी सप्लीमेंट, जैसे कि विटामिन्स हो गया, प्रोटीन हो गया, आयरन हो गया, ये सब अलग से ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के फूड्स को हम फोर्टिफाइड फूड्स कहते हैं। ठीक, पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। फोर्टिफाइड फूड्स आर दोज दैट हैव फोर्टिफाइड फूड्स आर दोज दैट हैव न्यूट्रिएंट्स एडेड टू देम दैट डू नॉट नेचुरली अकर इन द फूड। ठीक, फोर्टिफाइड फूड्स ऐसे फूड्स होते हैं जिनमें मतलब अलग से न्यूट्रिशन ऐड किया जाता है, नेचुरली उनमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो कम होता है या नहीं होता है कह सकते हैं। ठीक, दीज फूड्स आर मेंट टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड एड हेल्थ बेनिफिट्स। ठीक है, दीज फूड मतलब ये फूड आर मेंट मतलब होता है यूज किए जाते हैं टू इम्प्रूव करने के लिए न्यूट्रिशन एंड एड हेल्थ बेनिफिट्स। एड को चाहे हम यहाँ पे एडिड कर लेंगे, एड को हम यहाँ पे एडिड हेल्थ बेनिफिट्स। ठीक है, तो इस टाइप के फूड्स को क्या कहता है, न्यूट्रिशन और अपनी हेल्थ को मतलब कह सकते हैं इम्प्रूव करने के लिए या अदर अलग से बेनिफिट देने के लिए हम फोर्टिफाइड फूड्स का यूज करते हैं। ठीक, तो एग्जैक्टली हम देख लेते हैं कि फोर्टिफाइड फूड्स क्या होते हैं। फोर्टिफाइड फूड्स ऐसे फूड्स होते हैं जिनमें अलग से न्यूट्रिशन ऐड किया जाता है। ठीक है, उनमें नेचुरली कोई कह सकते हैं न्यूट्रिशन ऐड नहीं होता है या बहुत कम मात्रा में न्यूट्रिशन एडेड होता है, और उसको फोर्टिफाइड फूड्स के रूप में कन्वर्ट किया जाता है अलग से न्यूट्रिशन ऐड करके। ठीक, एग्जाम्पल देखिए। हाँ, मिल्क इज ऑफ्टन फोर्टिफाइड विद विटामिन डी एंड कैल्शियम मे बी एडेड टू फ्रूट जूसेस। एग्जाम्पल में देखिए लिखा हुआ है कि मिल्क में ऑफ्टन विटामिन डी जो है एज ए फोर्टिफाइड एजेंट के रूप में वर्क करता है, एंड कैल्शियम, और ये कैल्शियम एंड कैल्शियम जो है ये फ्रूट जूसेस में भी एज अ फोर्टिफाइड एजेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आजकल का जो मिल्क आ रहा है वो सभी को पता है कि जो है बहुत ज्यादा कह सकते हैं एकदम प्योर नहीं होता है। ठीक है, मशीनरी से कह सकते हैं डेवलप किया हुआ ये मिल्क होता है, और इस मिल्क में बहुत सारे जो है कंपोनेंट को मिला करके ऐड करके ये मिल्क बनाया जाता है, आर्टिफिशियल मिल्क होता है। तो इस मिल्क में विटामिन डी एंड कैल्शियम भी एक फोर्टिफाइड फूड के रूप में मिला करके इस मिल्क को फोर्टिफाइड फूड के रूप में तैयार किया जाता है। ठीक, और बहुत सारे फ्रूट जूसेस में भी विटामिन डी या कैल्शियम ऐड किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, फोर्टिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग न्यूट्रिएंट्स और नॉन न्यूट्रिएंट्स बायो एक्टिव कॉम्पोनेंट टू एडिबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो फोर्टिफिकेशन क्या होती है। ठीक है, फोर्टिफाइड फूड वे होते हैं जो अलग से हमें न्यूट्रिशन ऐड करते हैं जिस फूड में, तो अलग से न्यूट्रिशन ऐड करने के बाद वो हमारा सिंपली जो फूड था वो फोर्टिफाइड फूड हो गया। तो जो अलग से न्यूट्रिशन ऐड करने की प्रोसेस है उसे हम क्या कहेंगे, फोर्टिफिकेशन। ठीक, तो देखिए लिखा हुआ है, फोर्टिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग न्यूट्रिएंट्स और नॉन न्यूट्रिएंट बायो एक्टिव कॉम्पोनेंट्स टू एडिबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, मतलब जिस प्रोडक्ट में कह सकते हैं कुछ संभावना होती है, उस प्रोडक्ट में क्या करते हैं कि या तो न्यूट्रिएंट या नॉन न्यूट्रिएंट बायो एक्टिव कंपोनेंट, ठीक है, इनको ऐड किया जाता है, और जो ऐड करने की प्रोसेस है उसको हम फोर्टिफिकेशन कहते हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया था।
एग्जाम्पल में जैसे फूड है, फूड कंस्टिट्यूएंट और सप्लीमेंट्स, है ना। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है द ओरिजिनल पर्पज ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन इज टू मेंटेन द ऑक्यूरेंस या प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी पर्टिकुलरली इन पॉपुलेशन दैट लैक एक्सेस ऑफ सफिशियंट अमाउंट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मतलब इसका जो फूड फोर्टिफिकेशन का मेन पर्पज क्या है कि उस कह सकते हैं जगह पर जहां पर बहुत कम न्यूट्रिशन जो है वो कह सकते हैं, अगर हम वो उगा भी रहे हैं जो भी धान गेहूं हो रहा है उसमें बहुत कम न्यूट्रिशन अगर हो रहा है, ठीक है, तो इस टाइप के फूड को हम क्या कर सकते हैं, बाहर से वो कह सकते हैं न्यूट्रिशन ऐड करके उन्हें फोर्टिफाइड फूड के रूप में कन्वर्ट करके आराम से यूज कर सकते हैं, और कह सकते हैं जितना हमें रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है वो हमें मिल जाता है। अब देखिए हम पढ़ेंगे लिस्ट ऑफ सम फोर्टिफाइड फूड्स विद द फोर्टिफाइंग एजेंट्स। ठीक है, तो फोर्टिफाइंग एजेंट्स क्या होंगे, वो एजेंट जो हम अपने फूड में ऐड करेंगे और उन एजेंट को ऐड करने के बाद हमारा फूड जो है वो फोर्टिफाइड फूड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए लिखा है फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये फूड प्रोडक्ट लिखा हुआ है और ये सॉल्ट जो है आपका ये फर्स्ट नंबर है, नंबरिंग कर देती हूँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट है आपका सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट यानी कि हमारा नमक होता है, तो नमक में फोर्टिफाइंग एजेंट क्या हो गया, आयोडीन एंड आयरन। ठीक है, जो अच्छी क्वालिटी के नमक होते हैं उनमें आयरन भी मिलता है, उनमें आयरन भी एडेड होता है, और आयोडीन तो हर सॉल्ट में अवेलेबल होता ही है। ठीक, नेक्स्ट तो देखिए ये हमारा फूड प्रोडक्ट क्या है, सॉल्ट, और इसमें एज ए फोर्टिफाइंग एजेंट क्या यूज हो रहा है, आयोडीन एंड आयरन। नेक्स्ट है हमारा देखिए क्या लिखा है, फ्लोर्स मतलब आटा, है ना, ब्रेड, ब्रेड जो हमारी मार्केटेड रेडी जो ब्रेड होती है वो, एंड राइस चावल, इन सब में क्या होता है, विटामिन B1, B2, नियासिन एंड आयरन जो भी है वो फोर्टिफाइड रूप से ऐड होता है। ठीक है, और ये विटामिन B1, B2, नियासिन, आयरन वहां पे फोर्टिफाइंग एजेंट का वर्क करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, शुगर, टी, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ठीक है, इसमें क्या क्या यूज होता है, विटामिन ए। उसके बाद देखिए इन्फेंट फॉर्मूलाज या कुकीज, इसमें क्या क्या होता है, आयरन होता है बच्चों के लिए, ना, इन्फेंट फॉर्मूलाज मतलब वो प्रिपरेशन या वो फूड प्रोडक्ट जो भी इन्फेंट के लिए यूज होते हैं, इन्फेंट मतलब बिलो 1 ईयर कह सकते हैं बेबीज, हाँ मतलब 1 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फॉर्मुलेशन दी जाती है उन्हें इन्फेंट फॉर्मूलाज कहा जाता है, और कुकीज वगैरह, है ना। नेक्स्ट क्या है, वेजिटेबल मिक्सचर्स, वेजिटेबल मिक्सचर जैसे सूप वगैरह हो गया, है ना, प्रोटीन पाउडर, इसमें क्या होता है, विटामिन एंड मिनरल्स एज ए फोर्टिफाइंग एजेंट काम करते हैं, वर्क करते हैं। ऑरेंज जूस में भी कैल्शियम को जो है एज ए फोर्टिफाइंग एजेंट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, रेडी टू ईट सीरियल्स, सीरियल्स कह सकते हैं, सीरियल्स कह सकते हैं, सीरियल्स जो होते हैं वो छोटे बच्चों के लिए समझे एक फूड होता है, वो दलिया टाइप का होता है, उसको जो है बस पानी में भिगोया आधे घंटे के लिए और फिर दूध में उसको करके हल्के सी चीनी वगैरह डाल के उसको बस पका करके बच्चों को खिला दिया जाता है, तो वो बच्चों के लिए एक जो सीरियल्स होता है, सीरियल्स एक ऐसे कह सकते हैं फूड होता है जिसमें उसको विटामिन भी मिल रहा होता है, प्रोटीन भी मिल रहा होता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा होता है, मिनरल्स भी मिल रहा होता है, मतलब एवरीथिंग उसको उस सीरियल्स में ही मिल जाएगा। ठीक है, और उसमें विटामिन्स एंड मिनरल्स एज ए फोर्टिफाइंग एजेंट वर्क करते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, इंटरनल एंड पैरेंटल सॉल्यूशंस, है ना, इंटरनल एंड पैरेंटल सॉल्यूशंस मतलब हमारे जो भी सिरप वगैरह होती है ना, जो कहते हैं वो इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए काफी सिरप्स वगैरह आती हैं, पैरेंटल भी दिए जाते हैं इंजेक्शन, है ना, और इंटरनल जो लिया जाता है ओरली, उसमें विटामिन्स एंड मिनरल्स एज ए फोर्टिफाइंग